गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था रैशनल नंबर, जिसके बारे में हमने जिसका इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस क्लास में देखा। आज हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे रैशनल नंबर से क्या रिलेशन रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो वी नो दैट नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं या नहीं। तो हमें चेक करना होगा क्या हम इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4 कोई भी नंबर जो इन्फाइनाइट तक है, क्या हम इसे डिनोमिनेटर मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं जनरली किसी भी नंबर का हम डिनोमिनेटर 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि उस वैल्यू में कोई भी नंबर जिसकी खुद की इटसेल्फ वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता। मींस अगर हम देखें प्रॉपर व्यू में कि 5 डिवाइडेड बाय 1 तो भी आंसर कितना होता है 5, 4 डिवाइडेड बाय 1 तो अभी आंसर कितना होता है 4। मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, मीन्स जिसका भी कोई भी नंबर जिसका हम डिनोमिनेटर 1 रखते हैं उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो हमने देखा कि 2 1 अपॉन 1, वी कैन राइट 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, सो ऑन। हम सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। जो हमारे रैशनल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि एनी नंबर इट कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, वेयर पी इज अ न्यूमरेटर एंड क्यू इज अ डिनोमिनेटर। हम कोई भी नंबर जिसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर होती है। क्लियर? तो हमारी क्या प्रॉपर्टी होगी, तो हम क्या बोले कि एवरी नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर मींस एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। मींस सारे के सारे नेचुरल नंबर कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट तैयार हो गया। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर हमारे कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर बेटा? अब हम देखते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर्स, होल नंबर्स हमारे होते हैं 0, 1, 2, up to 1, up to 8। अब हमने फर्स्ट रिजल्ट देखा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब सेकंड हम देख कर रहे हैं होल नंबर्स को, हम होल नंबर को चेक कर रहे हैं। होल नंबर्स के बारे में देखें तो हम फर्स्ट नंबर हमारा होल नंबर है 0, सेकेंड है 1, अप टू ऐसे चलते चलते नंबर जाते हैं इनफाइनाइट तक। अगर हम देखें कि होल नंबर्स को क्या हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमें हमारी कंडीशंस भी रखना है कि जैसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0, मींस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर क्या रख सकते हैं 1, यहाँ पर 2, 2 अपॉन 1, तो मींस 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, 4 अपॉन 1, 500 अपॉन 1, 600 अपॉन 1, अप टू इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स जिन्हें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो ये भी हमारा एक रिजल्ट तैयार हो गया कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। बेटा इतना क्लियर हो रहा है? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि रैशनल नंबर पर बेसिस होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा।